देखो कशिश, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी सोच है, ये भी जानता हूं कि ये तुम्हारा यकीन है, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। मिस्टर आलूवालिया, शायद आप देख ना पा रहे हो, कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच से बाहर होते हैं। मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई तो है जो आपकी जान लेना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ के सबूत और पैरों के निशान को मिटाया गया। कशिश, मुझे तुम्हारी बात पर कोई शक नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कोई ऐसा नहीं है जो मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। शायद कशिश बाबूजी को इस बात के लिए राजी कर रही है कि बाबूजी सुजल की कंपनी को टेक ओवर ना करें। एक्सक्यूज मी कशिश, वैसे भी रात हो चुकी है और मेरी गाड़ी तुम्हें छोड़ देगी। माय ड्राइवर विल टेक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कशिश, तुमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बाबूजी के मानते नहीं। कार्तिक, तुम नहीं समझोगे, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और मैं इस... हाँ कशिश, मैं जानता हूँ कि एक बहुत ही सीरियस मामला है, लेकिन मैं महीनों से इसी का तो इंतजार कर रहा था। What? अगर तुम ये सोचती हो कि तुम बाबूजी को गरेवाल पे टेक ओवर ना करने के लिए राजी कर लोगी और वो भी इस बात से राजी हो जाएंगे तो तुम बहुत गलत सोचती हो कशिश। और मजे की बात तो ये है कि कल की पार्टी तुमने ही ऑर्गेनाइज की है और वो भी इस बात से अनजान होकर कि कल सबके सामने जलील होने के लिए सुजल भी आ रहा है। सुजल को ना नीचे गिरा दिया तो मेरा नाम भी कार्तिक आलूवाली नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर सुजल इस पार्टी में जाना क्यों चाहता है? ऋषि, क्या उससे तुमसे कहा कि वो पार्टी में जा रहा है? वो कह रहे थे कि शायद इस बार उनके कहने पर हमारा दहला पड़ जाए। मैं जानती हूँ कि सुजल की सबसे बड़ी ताकत कशिश का साथ है। काश बिना ऐसा हो पाता, सुजल को उसकी ताकत वापस मिल जाती कशिश के रूप में। बिग बी के एटीट्यूड से लगता है कि पहला कदम वो नहीं उठाएंगे। अब रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा अगर कशिश पहला कदम उठाएगी। हेलो। हेलो कशिश। मामा, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। नहीं मामा, मुझे सुजल से बात करनी है। हाँ बेटा, तुम्हें अगर सुजल से बात करनी है तो तुम घर पे आ जाओ, अभी आओ। नहीं मम्मा, घर पर नहीं, मुझे उससे बाहर बात करनी है। ठीक है ठीक है, एक 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 मिनट। वो सुजल से बाहर बात करना चाहती है। बाहर क्यों, घर में क्यों नहीं? ऋषि, मुझे लगा था कि तुम्हें इस मामले में ज्यादा जानकारी है, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े बेवकूफ निकले। ओ, यानी कि कशिश बिग बी से बाहर मिलना चाहती है। जाओ जाकर जल्दी सुजल को बुला के ला। अरे मेरा तो सबका अंदर ही होता है, बाहर जाके करते हैं। अरे बिग बी फोन के लिए आप। क्या? आई मीन आपके लिए फोन है बिग बी, बहुत मुश्किल से फ्लाइट लैंड की है, पकड़ लो बिग बी। ऋषि, दो मिनट सांस तो ले लो। बिग बी, अगर मैंने सांस ले लेना फ्लाइट निकल जाएगी। चलो। अरे ऋषि, ऋषि बताएगा किसका फोन है? अरे कशिश का फोन है, चलो तो सही। लेकिन किस लिए? अरे बिग बी, वो आपको बाहर मिलना चाहती है इसलिए। इस वक्त? लेकिन क्यों? लेकिन क्यों का क्या मतलब होता है बिग बी? बाहर हो रही है बारिश,
बिजली के कड़कने की है ख्वाहिश, मौसम है सुहाना और मेरे बिग भी है दीवाना। देखो ऋषि, ना तो बाहर बारिश हो रही है पर ना ये बिजली कड़क रही है। अरे फोन पर तो सब कुछ हो जाएगा। रिमझिम 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 ना 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 ना। हेलो सुजल, मुझे तुमसे मिलना है। अभी इस वक्त? हाँ सुजल, मिलना बहुत जरूरी है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है कशिश, तुम इतनी रात गए मुझसे? सुजल, इमरजेंसी का मतलब समझ में आता? जाओ ना जल्दी। हेलो कशिश बेटा। हाँ सुजल अभी निकल रहा है। हाँ वो आ जाएगा। ठीक है मम्मा। हाँ जाओ ना सुजल बेटे। जाओ ना बेटा। हो सकता है कशिश कोई खास बात करना चाहती हो। जा। लेकिन मामा मैं जॉन क्लो वैन डैम। चलो बिग बी। नॉट बैड। यस। क्या यही सच है, जिंदगी एक बार घूम फिर कर फिर वहीं खड़ी हुई जहां से वो शुरू हुई थी। यही वो जगह है कशिश जहां से हम दोनों एक बार फिर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। सुजल मैंने तुम्हें यहाँ कल की पार्टी के लिए वॉर्न करने के लिए बुलाया। प्लीज सुजल तुम उस पार्टी में मत आना। यही कहने के लिए बुलाया था? हाँ सुजल, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया कि कार्तिक तुम्हें जलील करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। सुजल प्लीज, मैं नहीं चाहती कि तुम उस पार्टी में हो। मुझे कार्तिक की कोई परवाह नहीं है, अगर परवाह है तो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे जज्बात की। सुजल प्लीज, हम इस बारे में अब बात नहीं करेंगे। मैं यही बातें कर रही हूँ, तुम्हें जो मेरी इतनी परवाह है उसमें भी यही बातें नजर आ रही हैं मुझे। अगर ये बातें ना होती, अगर तुम्हें मुझसे प्यार ना होता तो तुम्हें मेरे अपमान की इतनी परवाह नहीं होती। तुम बाकी बातें छोड़कर ये बात क्यों नहीं मानती कशिश? तुमने मुझे बचाने के लिए आलू वाली को चुन लिया और अब मेरे लिए तुम कार्तिक की प्लानिंग्स बताने आई हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये तुम्हारा प्यार है कशिश जो मेरी हार नहीं देख सकता, मुझ पर हुआ वार नहीं देख सकता और देखकर भी मेरा प्यार नहीं देख सकता। क्यों नहीं मान लेते कशिश? ये इतना आसान नहीं है सुजल, हमारे रिश्ते में चारों बुरी तरह से फंस गई है। हमारे रिश्ते ने उसे पूरी तरह से उलझा दिया। चारों 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 मेरी वजह से नहीं उलझी इस रिश्ते में, तुमने उसे उलझाया, तुम्हारी वजह से वो इस रिश्ते में उलझी। तुम गलत कर रही हो कशिश, अगर तुम्हें यह लगता है कि हम दोनों नहीं मिल पाए तो वक्त के साथ साथ मैं चारू का हो जाऊंगा। नहीं कशिश, प्यार को वक्त की नहीं एक लम्हे की जरूरत होती है और मेरा वो एक लम्हा तुम।
कशिश, मैं इस एक लम्हे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगा। जीने के लिए तुम्हारी यादें ही बहुत हैं। अगर चारू ये बात नहीं समझती तो कम से कम तुम तो समझो। तुम जानते हो कशिश, मैं इतनी रात गए यहां क्यों आया। मैं तुमसे ये बातें करने नहीं बल्कि हमारी बातें करने। मुझे लगा कि तुम्हें हमारी बातें करनी। लेकिन आज भी तुम चारू की बात कर रही हो। चारू से बाहर निकलो कशिश, बाहर की दुनिया में सुजल सिर्फ तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। कशिश, जो सुजल तुम्हारे बिना मर नहीं सका वो तुम्हारे बिना जिएगा कैसे। सुजल को कशिश के बिना जीना नहीं आता। कशिश तो मेरी दुनिया है और चारू मेरी दुनिया में कहीं नहीं है और ना ही कहीं होगी। फिर वो चाहे या ना चाहे, मेरे लिए तुमसे पहले और तुम्हारे बाद कोई नहीं। तुम चाहो या ना चाहो, सुजल बनेगा तो कशिश के लिए और अगर मिटेगा तो कशिश के लिए। आज भी हमारे बीच वो एहसास है जो हमें एक दूसरे से जुदा नहीं होने देता। ये कैसा रिश्ता है हमारे बीच। मैं आज भी तुम्ही को क्यों सोचती हूँ सुजल। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है और उस चेहरे पर दिल की कशिश का पहरा नजर आता है। क्यों सुजल, तुम मेरे लिए यादें बन गए हो, फिर भी तुम मुझे इतने याद क्यों आते हो? क्यों सोचा जाए? 5, 6, 7, 8। ऋषि, एक बात बताया, ये लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद है? डिपेंड करता है अमन की धर्म क्या है। धर्म? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब तो दिशाएं हैं ना। अबे यार, सेम थिंग। देख, अगर लड़की नॉर्थ की हो तो उन्हें डार्क और लीन लड़के पसंद है, बिल्कुल तेरी तरह। क्योंकि पंजाब में तो गोरे चिट्टे और हैंडसम लड़के भरे हुए हैं। Really? Really, man. अगर लड़की बंगाल की हो तो उन्हें मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और हैंडसम लड़के पसंद है। और अगर लड़की साउथ की हुई तो उन्हें तो भैया गोरे लड़के चाहिए, जिनके मूछे ना हो, जिनके बाल तेल में चिपके हुए ना हो। तो कते नहीं। Not bad. अब लगे यार ये भी बता दे हाँ कि तुझे किस तरह की लड़की चाहिए।
यार अमन, मुझे ना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए, जिसके गुलाबी जयपुर जैसे गुलाबी होठ हो, जिसके अजंता अलोरा की मूर्तियों जैसा फिगर हो, जिसके गुजरात की लड़कियों जैसे बाल हो, पंजाब की लड़कियों जैसे गाल हो, जिसकी साउथ की लड़कियों जैसी आंखें हो, जिसकी बंगाल की लड़कियों जैसी मिठास हो। यार अमन, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी सोच बिल्कुल हिंदुस्तानी ना हो। चल वर्कआउट मारते। सो मिस कशिश, तो सब तैयार है ना पार्टी के लिए? आई मीन तुम तैयार हो ना? देखो कार्तिक, जो भी लड़ाई थी हमारे बीच थी, और अब मैंने अपनी तरफ से हथियार भी डाल दिए हैं। हाँ कार्तिक, मैंने ये मान लिया कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो, लेकिन तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है। प्लीज कार्तिक, मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम सुजल के साथ बुरा मत करना। मुझे बदलने के लिए तुम सुजल से बदला मत लेना। आज पार्टी में अपनी घटिया हरकतें मत करना। तुम्हें यूं टूटते और बिखरते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन असली खुशी तब मिलेगी जब मैं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे सुजल को सबकी नजरों से गिराऊंगा, उसकी बेइज्जती करूंगा। कार्तिक प्लीज, यू मे गो नाउ। हेलो पापा, कशिश थी है क्या? चारू बेटा, कशिश तो अपने ऑफिस के किसी गेट टुगेदर में गई है, क्यों, कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं पापा, मैं आंटी से बाद में बात कर लूंगी। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर सुजल करिवाल प्लीज? बिग बी ऑफिशियल पार्टी में गए हैं। दोनों किसी ऑफिशियल पार्टी में गए हैं? कहीं दोनों एक ही पार्टी में तो नहीं? लो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले मेरी जीजू से बात हुई। अच्छा, क्या कहा जीजू ने? आज वो एक पार्टी में जा रही जो मिस्टर शब्बीर अहलूवालिया ने, फिर तो दी भी वहां होंगी। काश काश कम से कम आज तो उन दोनों के बीच कुछ बात हो जाए। काश उनके बीच बातें हों और बातों बातों में दी हाँ कह दे। गॉड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।